हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या कर दी गई। अवैध खनन रोकने पहुंचे डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को खनन माफियाओं ने डंपर से कुचलकर मार डाला। घटना के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। हत्या की वारदात नूह के पंचगांव के पास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक डीएसपी सुरेंद्र सिंह को अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसे रोकने वो अपने ड्राइवर और गार्ड के साथ पहुंचे और अवैध खनन कर रहे डंपर को रोककर खड़े हो गए। तभी खनन माफिया डंपर से डीएसपी सुरेंद्र सिंह को कुचलकर मौके से फरार हो गए। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के बारे में जानकारी मिली है कि वो हिसार जिले के सारंगपुर गांव के रहने वाले थे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह 1994 में हरियाणा पुलिस में बतौर सहायक उप निरीक्षक के पद पर भर्ती हुए थे और इसी साल रिटायर भी होने वाले थे। घटना के बाद से ही डीएसपी के परिवार में गम का माहौल है। डीएसपी की हत्या के बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं कट्टर सरकार ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा देने की बात कही है। इसके साथ ही परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है।